दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में हथियारों से लैस अमृतपाल सिंह के करीब 6 साथियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के कई इलाकों में सुरक्षा के दृष्टि से धारा 144 लागू करने के बाद हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों पर पुलिस मुस्तैद है। इस दौरान पांवटा साहिब के साथ लगती हरियाणा की सीमा बहराल में पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं व हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही है। इस दौरान पांवटा के साथ लगती उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा के गोविंद घाट नाके पर भी पुलिस मुस्तैद है। डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर ने बताया, पंजाब के कई इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू करने के बाद हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों पर पुलिस मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पांवटा पुलिस द्वारा सभी नाकों में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं व सभी वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह और थाना प्रभारी पांवटा खुद अपनी नजर सभी नाकों पर बनाए हुए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब की ओर से होला मोहल्ला की सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐतिहासिक होला मोहल्ला मेला पांवटा साहिब में 8 मार्च से 19 मार्च तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रदेश के उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान व समापन स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी करेंगे। 9, 10 व 11 मार्च को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य हिमाचली कलाकार दलीप सिरमौरी, राजगुरु व नाटी किंग कुलदीप शर्मा प्रस्तुतियां देंगे। वहीं लोकप्रिय पंजाबी गायक जोबन संधु व गुरनाम भुल्लर अपनी आवाज का जलवा दिखाएंगे। आप सभी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नगर परिषद पांवटा साहिब आप सभी को सादर आमंत्रित करती है। नगर परिषद पांवटा साहिब होली मेले के ऊपर सभी शहर वासियों को और जो अन्य स्थानों से मेले के लिए लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनको शुभकामनाएं मेले होली मेले की देती है, होली अवसर पर भी देती है। इसके साथ नगर परिषद सभी शहरवासियों से जो मेले में आएंगे उनसे अनुरोध करती है कि आप सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, मास्क पहनें और जहां पे भीड़ होती है वहां पे अपने पर्स, अपने अंगूठी, चैन आदि का भी सावधान रहें और नगर परिषद को सफाई व्यवस्था में सहयोग करें, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें। और नगर परिषद ये भी अनुरोध करती है कि यमुना घाट के ऊपर जो हैं वो लोग जाएं घूमें लेकिन पानी में कोशिश करें कि ना नहाएं क्योंकि वहां पे पहले भी कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ है। वहां पे नगर परिषद ने बोर्ड लगा दिए हैं, चेतावनी लगा दी है, गोताखोर रखे हुए हैं। अन्य हम ये भी अनुरोध करते हैं जो गाड़ी में आए तो 10 स्थानों के ऊपर नगर परिषद ने पुलिस के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से पार्किंग बनाई है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो है उन ट्रक गाड़ियां खड़ी होने की व्यवस्था की गई है, वहां पे अपनी पार्किंग जो है गाड़ियों की करें, वहां पे पानी पीने की व्यवस्था और अन्य जो जो भी चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।